तेजस्वी यादव को छोड़कर बिहार का मुख्यमंत्री और कोई नहीं बन सकता है, और बिहार का उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं बन सकता है। आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और बिहार का उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे। मनीष कश्यप को जो लोग मुख्यमंत्री बनाने का सोच रहे हैं, वो सपना आपका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि 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 कारण हम आपको अभी नहीं बताएंगे, कारण हम आपको अंत में बताएंगे कि क्यों तेजस्वी यादव ही अब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, मनीष कश्यप अब बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे, कैसे, क्यों, क्या, कहां, कब, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको वीडियो के अंत में देंगे, क्योंकि उससे पहले मुझे एक ऐसी खुशखबरी देनी है मनीष कश्यप से जुड़ी हुई, जो मुझे लगता है कि आपको पहले देना चाहिए। तो सबसे पहले मनीष कश्यप के लिए खुशी का जो बात है वो सुन लीजिए। आज मनीष कश्यप के लिए खुशी का दिन है और मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए भी खुशी का दिन है। क्या खुशी है, अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के, और दूसरे तरफ बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप के लिए खुशी का दिन है। वीडियो पूरा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा कि आखिर मनीष कश्यप के लिए खुशखबरी क्या है, खुशी का दिन क्या है, मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए क्या खुशी का दिन है, और विरोधिया का कैसे आज दुख का मातम का दिन है, सब आपको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले जान लीजिए मेरा नाम है शौर्य, आप देख रहे हैं द सेस क्रिएशन। वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब मार लीजिएगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला बात कि आज मनीष कश्यप के लिए कौन सी खुशी का दिन है, तो आपको हम बताए थे कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यूट्यूबरों का सपोर्ट किया था और मनीष कश्यप को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। इनडायरेक्टली का मतलब सीधे तौर पे नहीं, घुमा फिरा के मनीष कश्यप का सपोर्ट नरेंद्र मोदी किए थे। अब हम आपको बता दे कि नरेंद्र मोदी जी ने मनीष कश्यप का बदला ले लिया है। कैसे ले लिया है सुन लीजिए। हमारे देश में दो तरीके की मीडिया है, एक मीडिया है जो कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस में मतलब जितने इंडिया अलायंस, INDIA अलायंस कह सकते हैं, जिसमें कांग्रेस, जदयू, राजद, स्टालिन वाला, पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी, मतलब जितना ये लोग पार्टी है उन लोगों का एक अलायंस इंडिया, और दूसरा तरफ है NDA यानी कि मोदी जी का। तो एक जो मीडिया है जो मोदी जी का गुण गाता है और एक जो मीडिया है वो कांग्रेस का गुण गाता है, मतलब एक जो है बीजेपी का बुराई करेगा, कांग्रेस का बराई करेगा, और एक जो है बीजेपी का बराई करेगा और कांग्रेस का बुराई करेगा। मनीष कश्यप को कहा जाता है कि बीजेपी का एजेंट है, यानी कि मनीष कश्यप बीजेपी का बराई करता है और बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं उनकी बुराई करता है। जैसा लोगों का कहना है हम वही बता रहे, लेकिन इसमें तनिक भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप ने बीजेपी के खिलाफ भी बहुत सारे वीडियो बनाई है, भी नहीं बल्कि उसने सभी के खिलाफ वीडियो बनाई है जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने गलत किया है। लेकिन जो लोग कहते हैं उसी आधार पर हम बात करेंगे। अब हम आपको कुछ ऐसा नाम बताने जा रहे हैं जो खुलकर के बीजेपी का विरोध करती है और ये नरेंद्र मोदी का भी विरोध करती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रवीश कुमार का, जो कि NDTV के पत्रकार पहले थे लेकिन अभी वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, रवीश कुमार, जिनको शायद आप जानते होंगे। फिर दूसरा आता है अभिषार शर्मा जी है, और भी कितने सारे हैं, मैं दो को ही जानता हूं, ज्यादा लोगों को मैं नहीं जानता, क्योंकि इन दोनों के वीडियोस मैं भी पहले देखा करता था, पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, मीडिया के इंडस्ट्री में, तब मुझे सभी लोगों को देखना अच्छा लगता था, मैं उनको भी देखता था। लेकिन जब से मैं मीडिया इंडस्ट्री में आया हूं और जब से मैंने सभी चीजों को जांचा परखा देखा है, तब से मैं समझ गया हूं कि यहां दो तरीके की मीडिया है, एक कांग्रेस की मीडिया है और एक बीजेपी की मीडिया है, जो बीजेपी का गुणगान गाएगा एगो कांग्रेस का गुणगान गाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मनीष कश्यप के लिए क्या खुशी का बात है और आप तमाम मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए क्या खुशी की बात है, तो सुन लीजिए। दरअसल आज आज दिल्ली पुलिस ने और ED ने छापा मारा है 30 जगहों पर। वो 30 जगहों पर कहां कहां मारा है वो सुन लीजिए। अभिषार शर्मा और न्यूज क्लिक नाम का एक वेबसाइट है, जिसको शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, समझ लीजिए पूरी कहानी हम आपको बता देते हैं। न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है, उस पर
अभिशार शर्मा जी थे और आपको उर्मिलेश थे, भाषा सिंह थी और भी कुछ पत्रकार का वो एक ग्रुप है जो उस पे पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों के ऊपर रेड पड़ा है, उन लोगों के फोन लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। हम अब खुशी का बात किया है वो बताएंगे, लेकिन थोड़ा पहले डिटेल समझ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभिशार शर्मा जी जो चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे आप जाकर देखिएगा, उनमें आपको वीडियो दिखेगा सिर्फ और सिर्फ भाजपा का जितना विरोध हो सकता है उन्होंने किया है। अब वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनका मन करे जिनका विरोध करना उनसे मेरा मैटर नहीं है, लेकिन वो भाजपा का हमेशा से विरोध किए हैं, जो मैंने भी देखा है, वो अभी देख सकते हैं वीडियो उनके चैनल पे पड़ा हुआ है। दरअसल अभिशार शर्मा जो की है उन पे आरोप लगा है कि चीन देश से 38 करोड़ रुपया जो है ये लोग लिए हैं। अभिशार शर्मा, न्यूज क्लिक के और भी जो लोग हैं वो लोग अमेरिका के थ्रू लिए हैं और ले करके इंडिया में चाइना का एजेंडा चलाने का पैसा वो लोग लिए हैं। तो इस वजह से देशद्रोह का जो मुकदमा है, देशद्रोह वाली जो बात है, वो अब इन लोगों पर चलाई जाएगी और गिरफ्तार भी शायद को किया गया है जैसा कहा जा रहा है। और अब हम बताते हैं मनीष कश्यप के लिए खुशी का क्या बात है। दरअसल जिस वक्त मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए थे तो जितने भी बीजेपी का विरोध करने वाला मीडिया है उन सभी ने मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर खूब ठहाके लगाए थे, खूब हंसी मजाक उड़ाया था। और अभिशार शर्मा जी का भी मैं वीडियो देखता था पहले, मनीष कश्यप के मुद्दे से पहले, लेकिन जब से मनीष कश्यप का मुद्दा आया और मैं इनका एक वीडियो देखा था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि इन्होंने मनीष कश्यप का सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि इन्होंने बीजेपी को उल्टा बोला था और जो मनीष कश्यप का विरोध करने वाला सब है उसको अच्छा बोले थे। तो इस चक्कर में मेरा दिमाग ठनका था और उस वक्त से मैं इनका चैनल देखना बंद कर दिया था और मैं समझ गया था कि ये सब चैनल जो है बीजेपी का विरोध वाला चैनल है। खैर वो तो चैनल जो भी लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें मेरा कोई बात तो है नहीं, देख लीजिएगा। तो जब आज मनीष कश्यप पे तो कोई देशद्रोह वाला क्या कहते हैं, कोई देशद्रोह खाली एनएसए लगा दिया गया, लेकिन मनीष कश्यप पर तो साबित नहीं किया गया कि मनीष कश्यप सचमुच में देशद्रोही है कि नहीं है, लेकिन इन लोगों को साबित कर दिया गया है कि देशद्रोही है। कैसे? तो जो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स एक पेपर है उसमें छपा हुआ था कि 38 करोड़ रुपया जो है इन लोगों को फंड हुआ है चाइना की तरफ से, तो साबित हो गया। तो ये लोग जब देशद्रोही साबित हो गए हैं तो जितना भी मनीष कश्यप के विरोधी है, समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, अपने ही बिहार के हैं, वो जो पार्टी है जो मनीष कश्यप का विरोधी पार्टी है, वो लोग जाकर ट्विटर पे रो रहा है कि पत्रकारों के आवाज पर, मतलब पत्रकार को जो है दबा रहा है, जेल में मोदी भेज रहा है, पत्रकार अब बोले भी नहीं, क्या है आजादी, हम लोग बोल भी नहीं सकते, ये लोग बला बला ट्विटर पे हगे हुए हैं बहुत सारी पार्टियां। अब ये बताइए कि जब मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ था तो आप लोग उस समय कहे नहीं हग रहे थे, उस समय आपके पेट में नहीं था क्या वो प्रेशर, उस समय भी तो आपको कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन उस समय तो आप लोग मजा मार रहे थे। तो आज मनीष कश्यप के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है या जिन पर रेड मारा जा रहा है, वो लोग सभी के सभी मनीष कश्यप के विरोधी रहे हैं। मनीष कश्यप का विरोधी इसलिए रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंट मान करके वो लोग बीजेपी का विरोध किया, इसलिए मनीष कश्यप का विरोध किया। ऐसे मैं चैनल पर देखने गया था कि मनीष कश्यप का कोई वीडियो मिलेगा, लेकिन मुझे उस चैनल पे मनीष कश्यप का कोई वीडियो नहीं मिला, यानी कि मनीष कश्यप से उनको कोई लेना देना नहीं है। भैया हमको तो लेना देना है, खैर छोड़िए। तो आज समझ गए कि जो एक और चीज हमको बताना था, मनीष कश्यप के खाते में 44 लाख रुपया मिला था, ऐसा लोगों में बहुत हल्ला हो गया था, कौन फंड किया है, पाकिस्तान फंड कर दिया है 44 लाख रुपया, कहां से आया मनीष कश्यप के अकाउंट में। जो लोग ऐसे चिल्ला रहा था और देशद्रोही बोल रहा था कि देशद्रोही यूट्यूबर मनीष कश्यप के अकाउंट में 44 लाख रुपया आ गया, वो 44 लाख रुपया ना तुम्हारे बाप कन से आया था, जो बोल रहा था ना देशद्रोही, मनीष कश्यप देशद्रोही है, वो खेरे बाप के अकाउंट में से 44 लाख रुपया आया था। आज तक कोर्ट भी साबित नहीं कर पाया कि वो पैसा जो है इलीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि पैसा लीगल था, खाता में पड़ा हुआ पैसा है, उसका यूट्यूब चैनल से कमाया है पैसा है मनीष कश्यप का, तो गैर कानूनी थोड़े होगा। और ये जो 34 करोड़ के 38 करोड़ जो रुपया आया है ये अमेरिका से फंड हुआ है, अमेरिका के पेपर में छपा है ऐसा बताया जा रहा है। खैर मुद्दा इतना ही है, आप समझ गए होंगे कि मनीष कश्यप के लिए आज खुशी का दिन क्यों है, क्योंकि मनीष कश्यप का विरोध करने वाला जितना था आज सबको मोदी जी ने जो है जेल में ठेल दिया है, जल्द जेल में आइसन धारा में ठेला जा रहा है कि सीधे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। मनीष कश्यप पर तो भले एनएसए लगा करके
लोग खाली लगा ही दिए थे और कुछ उखाड़ तो पाए नहीं, लेकिन इन लोगों को ऐसा खेला जाएगा जो भी मनीष केसव का विरोध किए हैं। इसीलिए कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी का जब लहर चलता है तो बचता कोई नहीं। चलिए दूसरा मुद्दा जो हम आपको बोले थे अब उस पर बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री 2025 में बनने से कोई नहीं रोक सकता है और 2025 में तेजस्वी यादव जी ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे। क्यों बनेंगे जान लीजिए। मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे जान लीजिएगा ना, अपने सब समझ जाइएगा। जाति जनगणना बिहार में हुआ है। बिहार में जाति जनगणना जब हुआ तो सबसे ज्यादा जो जाति के लोग हैं वो यादव के हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 14-15% जो है यादव लोग हैं और बाकी जो नीचे आता है पासवान लोग जो है वो 4-5% है और बाकी जितना है नीतीश कुमार जी जो है वो 2-3% में आते हैं। तो अब मेरा मुद्दा समझिएगा, जिसकी जितनी ज्यादा भागीदारी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। ये तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी का कहना है कि जिसका जितना ज्यादा जाति है, जिसकी ज्यादा जितनी ज्यादा जनसंख्या है उसकी उतनी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो जब यादव लोग 14-15% है तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 14% अगर वोट मिलेगा यादवों का तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? तेजस्वी यादव जी बनना चाहिए। और 4-5% आते हैं दो नंबर पे पासवान जाति, तो चिराग पासवान बनेंगे दो नंबर, तो उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनना चाहिए। मनीष कश्यप क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? क्योंकि मनीष कश्यप जात के नाम पर वोट नहीं मांगता है और ना ही बिहार की जनता मनीष कश्यप को जात के नाम पर कभी भी वोट देगी, क्योंकि बिहार में ब्राह्मणों की संख्या तो 2-3% बताया गया है और मनीष कश्यप ब्राह्मण में आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण में मान के चलिए जो आते हैं, हमको भी वो भी मालूम नहीं कौन जाति में आते हैं, लेकिन बावन भूयार में आते हैं, वो तिवारी हैं, तो उनकी तो 2-3% है, तो मनीष कश्यप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और नीतीश कुमार जी भी आते हैं 2-3% के बीच में, कुर्मी में आते हैं वो, तो उनको भी मुख्यमंत्री अब नहीं बनाया जाएगा। तो अब मेरा पॉइंट समझिएगा, हम ही सरासर बहुत बड़ा मजाक कर रहे थे। जो लोग जाति के नाम पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जाति के नाम पर बिहार का विकास देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बिहार के अच्छे भविष्य की कामना हम करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होगी। और मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री अगर बनाना है तो जातिवाद छोड़ना होगा, क्योंकि अगर जातिवाद अगर आएगा तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जातिवाद अगर हट जाएगा तो मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब आप सोचिए कि आपको जातिवाद करना है या जातिवाद छोड़कर तरक्की विकास पर बात करनी है। ऐसे तो ज्यादातर बिहार में लोग जातिवादे करते हैं, मुझे भी पता, आपको भी पता होगा। जैसे ही ये जातिगत जनगणना का सर्वे रिपोर्ट आया है, वैसे ही सभी लोग का जब हम स्टेटस देख रहे हैं तो स्टेटस में सब लगाए ले कुर्मियान, अहिरान, रजपुताना, पसवान, चमरान, डुमरान, ऐसे करके बहुत लोग जो है अपना अपना एकदम हाईलाइट किए हुए कि देखो हम इतने हैं, हम इतने हैं। भैया आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप एक हिंदू धर्म के हैं? जाति में ये लोग नेता लोग बांटा है हम लोगों को। आपको पता है पहले कोई धर्म जाति नहीं हुआ करता था, सबसे पहले धर्म था सनातन धर्म हिंदू, कोई जाति नहीं, लेकिन ये नेता लोग बांट दिया वोट के चक्कर में। आप लोगों को लड़ाता है नेतवा सब, आप लोग लड़ते हैं, यही तो चाहता है। यही कहा जाता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम कराता है, तो क्यों आप लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम? मत कीजिए। बीजेपी अगर हिंदू मुस्लिम कराता है तो मत कीजिए ना। और अगर आरजेडी आपको यादव मुस्लिम और बाभन कुर्मी पासवान ये करो तो मत कीजिए ना। आप लोग देखिए कि बिहार में तरक्की कराने वाला कौन नेता है और उसको वोट दीजिए, लेकिन नहीं, बिहार में तो जातिवाद करनी है। खैर अब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे कि मनीष कश्यप बनेंगे ये आपके ऊपर है, जनता के ऊपर है, जनता जो चाहेगी वही होगा। अगर तेजस्वी यादव जी जात के नाम पे वोट लेंगे तो वो जीत जाएंगे और अगर विकास के नाम पे मनीष कश्यप वोट लेंगे तो मनीष कश्यप जीत जाएंगे। मनीष कश्यप जात के नाम पर अगर वोट लेना चाहेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप का जात का उतना परसेंटेज बिहार में नहीं है जैसा बताया गया है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा घोटाला है, तो शायद आपको पता होगा सब गलत गलत आंकड़ा दर्शाया गया है। खैर चलिए बस आज के लिए मेरा खबर इतना ही था। कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंद।